दैट इज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, ठीक है? वी आर लाइक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले रिस्ट्रिक्शन मैपिंग. तो व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि रिस्ट्रिक्शन मैपिंग क्या है. रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पहली बात तो रिस्ट्रिक्शन फ्रिक्वेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है. व्हाट अबाउट रिस्ट्रिक्शन फ्रिक्वेंसी, व्हाट अबाउट चारगाफ रूल, चारगाफ रूल क्या है, एंड देन उसके बाद डाइजेशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कैसा होता है, एंड उसके बाद दिस इज लाइक कि आपकी मैपिंग कैसे होती है, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझने के लिए एक एक करके लेके चलेंगे रिस्ट्रिक्शन फ्रिक्वेंसी एंड ऑल. अब कोई भी फ्रिक्वेंसी होता है तो देर इज टू काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वन इज लाइक रेयर कटर, एक आपका रेयर कटर होता है और एक आपका फ्रिक्वेंट कटर होता है. लाइक व्हाट आर रेयर कटर एंड फ्रिक्वेंट कटर. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास जो होते हैं ना, कि इनके पास नॉर्मली अगर बात की जाए तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जितने भी होते हैं एक कट करते हैं स्पेसिफिकली किसी भी रिस्ट्रिक्शन साइट के लिए. और रिस्ट्रिक्शन साइट जो होता है दे कैन कट एट लाइक, इनका जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो 4 बेस पेयर का हो सकता है, 6 बेस पेयर का हो सकता है, या आपके 8 बेस पेयर का हो सकता है, कुछ भी पाया जा सकता है. इस कैन बी 4 बेस पेयर, 6 बेस पेयर और 8 बेस पेयर. अगर ये 4 बेस पेयर है सो दिस इज फ्रिक्वेंट कट ऑफ. अगर 4 बेस पेयर का है तो दिस शुड बी फ्रिक्वेंट कट ऑफ. अगर 6 बेस पेयर का है या 8 बेस पेयर का है तो वी से इट एज अ रेयर कटर, और जनरली 6 बेस पेयर इज अ रेयर कटर. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि MSE फर्स्ट इज अ फ्रिक्वेंट कटर, एंड 6 बेस पेयर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इट इज लाइक रेयर कटर इको आर वन, ठीक है? सो ये कुछ केसेस में जो होते हैं आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं. इसके अलावा चारगाफ रूल आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि व्हाट इज चारगाफ रूल, ठीक है? सो चारगाफ रूल क्या है समझने की कोशिश करिएगा. लाइक फर्स्ट विल डिस्कस चारगाफ. बहुत ही सीधी सी बात है, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा कि चारगाफ रूल इज वैलिड फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओनली. डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओनली के लिए ही वैलिड होता है, वैलिड फॉर, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओनली. इसके बाद जो होता है एज यू नो दैट प्यूरीन के केसेस में दिस लाइक प्यूरीन क्या क्या पाया जाता है, ए एंड जी. व्हाट इज पिरिमिडिन, एज यू नो दैट पिरिमिडिन क्या होता है, पिरिमिडिन होता है दैट सी एंड टी, ये केस पाया जाता है. एंड यहां पर जो होता है दैट प्यूरीन, प्यूरीन इज 50% That is equal to the pyrimidine. जो है ये आपके pyrimidine के equal हो जाएंगे. This should be like यहाँ पे pyrimidine हो जाएगा. That spelling mistake is there. So this should be like कि यहाँ पे pyrimidine. ठीक है, तो ये चीज है जो यहाँ पे involve हो जाता है CNT. Purine is 50% and pyrimidine is 50%. And purine क्या है, A plus G should be 50%. That is equal to the C plus T should be 50%. ये चीज आपका क्लियर कट पता होना चाहिए कि प्यूरीन एंड पिरिमिडीन 50% होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितना ही A होगा उतना ही T होगा, एंड जितना C होगा उतना ही G होगा, ठीक है? तो ये कुछ चीजें आपके पता होने चाहिए चारगाफ रूल के लिए. पहली चीज कि पहला तो ये भैया देखो, प्यूरीन 50% मतलब A प्लस जी 50% होगा एंड C प्लस टी 50% होगा, और A इज इक्वल टू टी एंड C इज इक्वल टू जी. ये चीज आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए. टोटल वैल्यू जो है वो 60% के बराबर होगा, ठीक है, सॉरी 100% के. तो दिस इज चारगाफ रूल. इस तरीके से चारगाफ रूल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर केसेस पे. अगर चारगाफ रूल का एग्जांपल के तौर पे अगर समझे तो एक आख एग्जांपल में करा देता हूं फटाफट, सो दैट लाइक कि आप समझ पाए चारगाफ रूल क्या है. तो व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड चारगाफ रूल, तो समझना कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडिनिन जो है वो 40% है, तो व्हाट शुड बी द साइटोसिन. नाउ देखिएगा, एडिनिन शुड बी इक्वल टू द टी. तो एडिनिन जो है अगर 40% है तो थायमिन कितना होना चाहिए, थायमिन भी 40% होना चाहिए. एंड साइटोसिन प्लस थायमिन एज यू नो दैट दिस इज इक्वल टू द 50%. सो अगर थायमिन 40% तो साइटोसिन शुड बी द 10%. यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे.
सिमिलरली अगर प्रॉब्लम कुछ भी तरीके से आ सकता है कि द डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है इसके पर्टिकुलर पार्ट में देर इज गुआनिन जो कि 20% पाया जा रहा है, वॉट शुड बी द थाइमिन? नाउ अगेन गुआनिन अगर 20% है तो यू कैन सिंपली से दैट कि एडिनिन शुड बी 30%। जब एडिनिन 30% होगा तो इट इज इक्वल टू द टी एंड टी शुड बी द 30%। तीसरा क्वेश्चन है कि इफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज देयर गुआनिन इज 20% व्हाट शुड बी द ए प्लस सी कंटेंट, ए प्लस सी कंबाइंडली कितना होगा? ए प्लस सी के लिए अगेन नाउ अगर गुआनिन इतना है तो एज यू नो दैट सी इज 20% एंड एडिनिन शुड बी 30%, सो ए प्लस सी शुड बी द 50%। ये जो है सी 50% आ जाएगा। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर, ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके आ सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी के लिए। चलिए तो देखने की कोशिश करिएगा, देयर इज अ केस ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी। रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी है क्या, मतलब कितना कट करेगा, कितना कट करेगा रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी का मतलब नॉर्मली रेयर कटर है, फ्रिक्वेंट कटर है, कितनी बार कट करने वाला है। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी को अगर हम कैलकुलेट करें दैट आर एफ शुड बी नंबर ऑफ बेस पेयर जो क्वेश्चन में दिया गया है डिवाइडेड बाय द 4 to power n। ये चीज है आपका नॉर्मली रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ डीएनए सेगमेंट, कोई एक डीएनए सेगमेंट है या डीएनए साइज जो है जीनोम का साइज दैट इज 10 to power 6 बेस पेयर, 10 to power 6 बेस पेयर या 10 to power 5 बेस पेयर, रेयर कटर एक यूज किया इन्होंने, रेयर कटर यूज किया दैट इज इको आर वन। सो वॉट शुड बी द रिस्ट्रिक्शन फ्रिक्वेंसी? एज यू नो दैट इको आर वन का जो कट साइट होता है दैट इज 6 बेस पेयर, क्या होता है 6 बेस पेयर होता है इको आर वन का कट साइट जो पाया जाता है दैट इज 6 बेस पेयर, ठीक है। नाउ तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, तो यहां पे क्या हुआ कि इको आर वन के केस में 6 बेस पेयर की कटिंग साइट यहां पे इन्वॉल्व हो जाती है। नाउ तो क्या हो जाएगा कि 10 to power टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इज 10 to power 6, दिस इज 6 बेस पेयर, 6 बेस पेयर इज इन हियर, यू विल सॉल्व इट, और ये जो है सॉरी नोट 6 बेस पेयर, ये एन इज वॉट, यहां पे जो एन बताया गया है एन, ये जो है एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ बेस पेयर इन रिस्ट्रिक्शन साइट, नंबर ऑफ बेस पेयर इन रिस्ट्रिक्शन साइट। तो नाउ व्हाट शुड बी द केस दैट हियर दैट यू कैन अंडरस्टैंड फोर, वी कैन से दैट दिस इज 4 to power 6 एंड दिस इज 10 to power 6 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको देखें तो 4 to power 6 को बोलते हैं 4096, व्हेन यू सॉल्व इट इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to power 240। सो 240 इज द रिस्ट्रिक्शन फ्रिक्वेंसी, इतना साइट इतने जगह पे वो कट कर सकता है, इतने आ सकते हैं। सो एग्जैक्टली व्हाट शुड बी लाइक कितने कितने साइज के बाद कितनी कितनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करेंगे, तो फॉर फोर बेस पेयर इट शुड बी लाइक 4 to power 4, मतलब नॉर्मली जो है 256। फॉर सिक्स बेस पेयर इट शुड बी लाइक 4 to power 6, 4096 में एक बार 4096, इस तरीके से मतलब इनमें से एक बार जो है ये साइट जो है मिलेगा, ठीक है। कैसे, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेगा, तो इसमें 2-3 तरीके के केसेस आते हैं कि व्हेन जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या क्या होता है रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि फर्स्ट केस फर्स्ट व्हेन द कंपोजिशन इज सेम, रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी में केसेस आते हैं केस फर्स्ट, व्हाट इज केस फर्स्ट, व्हेन द कंपोजिशन इज सेम, सेम कंपोजिशन की बात की जा रही है। सेम कंपोजिशन का मतलब है ATGC का जो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगा। व्हेन कंपोजिशन इज सेम, ऑब्वियसली बात है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहां पे इन्वॉल्व होगा अगेन, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उन्हीं को कट करता है। यहां पे जो हो जाएगा ATGC, कंपोजिशन इज सेम का मतलब है कि यहां पे ए भी 25% है, टी भी 25% है एंड सी भी 25% है, जी भी 25% है। सो व्हेन यू सी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और टी और जी और सी दैट शुड बी 1/4,
क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 ही होने वाली, क्योंकि कॉम्पोजिशन सेम है भैया, जितने चांसेस ए के आने के हैं उतने ही टी के, उतने ही जी के, उतने ही सी के, सो चांसेस आर सेम ईयर। अगर इस केस में यहाँ पे बात करते हैं तो चांसेस आर सेम, चांसेस जो हैं वो सेम है, जब चांसेस सेम है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी सेम होने वाली है। तो नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि फ्रिक्वेंट कटर, पहला एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, फॉर लाइक फ्रिक्वेंट कटर का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सो आपको बताते हैं फ्रिक्वेंट कटर मतलब कितने बेस पेयर का, चार बेस पेयर का, फ्रिक्वेंट कटर मतलब फोर बेस पेयर, दैट शुड बी लाइक ए टी जी सी। देखिएगा ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू टी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू जी के 1/4 इंटू सी के 1/4, दिट शुड बी लाइक 1/256। सो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग कह रहा है, ये मीनिंग कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन साइट अपीयर, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, ये कहना चाह रहा है कि दैट रिस्ट्रिक्शन साइट अपीयर वंस इन एवरी 256 बेस पेयर, हर 256 बार में एक बार आपका तो मिलने वाला है, ठीक है, ये चीज आपका है फ्रिक्वेंट कटर के केस में। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन जिसके ऊपर हम बात करते हैं, दैट इज 6 बेस पेयर, ठीक है, जिसके ऊपर हम अगर बात करें तो दैट इज रेयर कटर, ठीक है, क्या बात किया जा रहा है, रेयर कटर। रेयर कटर का मतलब है 6 बेस पेयर, कुछ भी सीक्वेंस ले लो भाई, कोई मैटर नहीं करता यहां पे। मान लो कि जैसे हम इको आर वन को ले लेते हैं, जी ए ए टी टी सी, दिस इज द साइट ऑफ इको आर वन, ठीक है, ये है भैया इको आर वन। नाउ ध्यान दीजिएगा इस चीज के लिए, अगर इसमें हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए पहले के लिए क्या हो जाएगा 1/4, दूसरे के लिए 1/4, तीसरे के लिए 1/4, चौथे के लिए भी 1/4, पांचवे के लिए भी 1/4, छठवें के लिए भी 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4096, व्हाट डज इट मीन, क्या कहना चाह रहा है भाई, कहना चाह रहा है कि जब नॉर्मली कि वंस रिस्ट्रिक्शन साइट अपीयर, अगर हम बोले तो अपीयर वंस इन 4096 बेस पेयर, दिस इज द केस। समझ में आई बात तो जरा सा मुस्कुरा दीजिए। चलिए सो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि दिस इज द केस ऑफ सेम कॉम्पोजिशन। ये क्या है, ये आपके सेम कॉम्पोजिशन की बात की जा रही है जब प्रोबेबिलिटी सबकी 1/4 है, ठीक है, चांसेस आर सेम। नाउ केस टू व्हेन चांसेस आर नॉट सेम, केस टू का मतलब क्या है कि व्हेन चांसेस आर नॉट सेम, जब हम बात करते हैं केस टू, सी हियर, तो अगर हम बात करें चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी यहां पे अलग हो जाएगी, व्हेन चांसेस आर नॉट सेम, अगर चांसेस सेम नहीं है तो प्रोबेबिलिटी विल बी डिफरेंट, प्रोबेबिलिटी जो है वो अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है व्हेन कॉम्पोजिशन या चांसेस आर नॉट सेम, कॉम्पोजिशन जो है वो सेम नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है, कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम, कॉम्पोजिशन जो है वो सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जी जो है वो किसी भी चीज़ में 20% है, जी अगर 20% है तो ऑब्वियसली बात है साइटोसिन 20% होगा, ऑब्वियसली बात है कि एडिनिन जो है वो हो जाएगा 30% और थायमिन कितना हो जाएगा 30%। चारगाफ रूल यूज क्या लगाया आपने यहाँ पे, चारगाफ रूल, आपको एक भी पता कर देगा तो आप चारगाफ रूल करके पता कर लोगे, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 2/10 या 20/100, सो वी कैन से दैट 2/10। सिमिलरली सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो भी 2/10 हो गया, एंड एडिनिन जो है दैट शुड बी 3/10 एंड थायमिन शुड बी 3/10, ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया। मान लो कि अगर यहीं पे हम एंजाइम के लिए पूछ लेते कि व्हाट शुड बी ATGC, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, तो नाउ हाउ यू विल सॉल्व इट, कैसे करते हैं आप इस चीज को, देखिए ए का क्या था, ए का है 3/10, ए का है 3/10, इसके बाद टी का है 3/10 और जी और सी जो है 2/10 हो जाएगा, 2/10 इंटू 2/10, व्हेन यू सॉल्व इट इट शुड बी 339436, 36 डिवाइडेड बाई 10^4, ये है इसकी रिस्ट्रिक्शन फ्रिक्वेंसी।
गॉट इट। नाउ इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सिक्स बेस पेयर के लिए, अगेन इको आर वन के लिए देखो, जी ए ए टी टी सी, इसमें क्या हो जाता, दिस इज लाइक जी के लिए 2/10, ए ए के लिए 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10, टी का भी वही है 3/10 इंटू 2/10। जब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा 10^6, ऊपर सॉल्व करोगे तो ये 4 और ये है 81, 81 4, दैट इज 324 डिवाइडेड बाय दिस वन। सो दिस इज लाइक व्हेन कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट यू हैव टू यूज इट चारगाफ रूल। आपको यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा चारगाफ रूल को। अगर कॉम्पोजिशन अलग है तो चारगाफ रूल कर यूज करके पहले तो आप परसेंटेज निकालो, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालो, देन यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, सो दिस इज गिवन चांसेस, चांसेस आर नॉट, या जो चेंजेस है या चांसेस जो हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, तो व्हेन चांसेस आर नॉट सेम, नॉट चेंजेस, दैट व्हेन चांसेस आर नॉट सेम, व्हेन कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम। ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे, आप इसी तरीके से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं।